नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। शुरुआती आधा घंटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहा, क्योंकि आज वो छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे, इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ा देर से हो पा रही है। लगातार करीब 96 मिनट का उन्होंने छात्रों के साथ उनका संबोधन किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इंडिया चाहता है की। और इंडिया चाहता है में सबसे बड़ी खबर सबसे पहले जो आपने चाही, और वो खबर है कोरोना के कहर की। देश में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना संक्रमित होने के कुछ और मामले सामने आते जा रहे हैं, तो क्या कोरोना की वैक्सीन अब कारगर नहीं बची है? ये सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा है, और यही वजह है कि हमने इसकी वजह जानने की कोशिश की। भारत में इस वक्त कोरोना की दो वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 81% प्रभावी होने का दावा किया गया, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट वाली कोविशील्ड वैक्सीन का 81.3% प्रभावी होने का दावा किया गया है। हम आपको बता दें कि लैंसेट की स्टडी में यह कहा गया कि कोविशील्ड वैक्सीन का यह प्रभाव 81% तक तब पहुंचता है जब दोनों डोज के बीच 12 हफ्ते का अंतर हो। अब ऐसे में वो क्या वजह रही होगी कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कोरोना हो गया? हालांकि यह बहुत कम मामलों में हुआ, लेकिन ऐसा इसलिए हो सकता है कि वैक्सीन का रख रखाव ठीक से ना हुआ हो, वैक्सीन के वाइल को जिस तापमान में रखना चाहिए उसमें ना रखी गई हो, आपके हाथ के गलत हिस्से में इसे लगा दिया गया हो, या फिर वैक्सीन की पूरी डोज ना दी गई हो। किसी किसी शख्स में दबाव के असर के चलते इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसके चलते भी वैक्सीन कई बार कम प्रभावी हो जाती है। पहली डोज के तुरंत बाद कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि तब तक एंटीबॉडीज बनने में वक्त लगता है, बनती नहीं है। वैसे डॉक्टर वैक्सीन के साथ ही कोरोना से जुड़ी सावधानियां बरतने की सलाह भी देते हैं। डॉक्टरों का ये मानना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना का असर जानलेवा नहीं होता। ये बातें इसलिए हो रही हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना होने से कई सवाल अभी भी उठ रहे हैं। फॉर वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाते हुए परेश रावल कोरोना के खिलाफ विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। ये तस्वीर 12 मार्च की है जो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इसके 14 दिन बाद परेश रावल की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। फिर रमेश तोरानी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। परेश रावल और तोरानी ने वैक्सीन की एक एक डोज ही लगवाई थी, लेकिन लखनऊ के मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर राकेश कपूर का मामला तो इनसे भी अलग है। डॉक्टर कपूर को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कोरोना संक्रमित हो गए। वैक्सीन से बहुत से लोगों में जिनमें संक्रमण नहीं हो रहा है और जिनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है, वो पूरी तरह से इससे बचे रहते हैं, और जिन लोगों में इम्यूनिटी नहीं बहुत अच्छी डेवलप होती है तो वो फिर भी संक्रमित हो सकते हैं। वहीं लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 30 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि इन्हें वैक्सीन लगी थी या नहीं। कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी नहीं देखा है हम लोगों ने, लेकिन लगभग ऐसे हमारे हिसाब से 20-25 डॉक्टर्स हैं KGMU में जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है, उसके बाद भी कोरोना का संक्रमण हुआ है। उसमें से कोई भी गंभीर हालत में नहीं है, सबको माइल्ड इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम हल्का बुखार, जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाए। वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना पॉजिटिव होने के मामले यूं तो बेहद कम हैं, लेकिन इन मामलों के चलते वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। रिलैप्स होता है, यानी वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ केसेस ऐसे लोगों ने देखे हैं, अखबारों में पढ़े हैं कि लोगों को फिर हो रहा। इसका आपको निराकरण देना होगा, उत्तर देना होगा, सफाई देनी होगी, एक्सपर्ट्स से राय लेकर जवाब देना होगा। प्रवक्ता विपक्षी दल के हैं तो सवाल उठाना तो उनका सियासी अधिकार है, लेकिन वैक्सीन के बाद कोरोना होने को डॉक्टर आम बात ही मानते हैं। कोरोना वैक्सीन लगने से या किसी भी और वैक्सीन से जो दी जाती है किसी भी बीमारी के लिए 100% गारंटीड प्रोटेक्शन नहीं होती। इसके दो वजह हैं। पहली चीज तो ये कि जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनको बनने में वक्त लगता है। इवन दूसरी डोज के बाद मैक्सिमम एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है वो आप समझ लीजिए कि 4 से 6 हफ्ते के बाद ही दिखाई देता है,
धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ का लेवल बढ़ रहा होता है, और जो वायरस से इन्फेक्शन होता है उसका वायरस लोड कितना मिला आदमी को, उसकी और डिफेंस के झगड़े में कौन जीता, उस पर डिपेंड करता है कि इवेंचुअल डिजीज़ होती है कि नहीं, नंबर वन। नंबर टू, मान लीजिए वैक्सीन अगर 90% इफेक्टिव है तो कोई तो 10% के अंदर आएगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी थी, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि 100% प्रभाव तो उन वैक्सीन का भी नहीं होता जिनका पूरा ट्रायल हो चुका है। कि कोई भी जो वैक्सीन होती है उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको कभी इन्फेक्शन नहीं हो सकती। बेसिकली किसी भी वैक्सीन का ये मतलब होता है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाती है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, यानी कि वो केस बहुत सीवियर नहीं होते हैं। आपका केस पॉजिटिव हो सकता है लेकिन आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हो सकते, अगर मैं नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ। ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे छोटे बच्चे हम उनको भी वैक्सीन लगाते हैं, जैसे BCG भी लगवाते हो, तो BCG का मतलब होता है कि बच्चों को TB हो सकती है, बट जो TB से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस है वो कभी नहीं हो सकती। सेम जो कोविड है, इसकी भी जो वैक्सीन है, इसका ये मतलब नहीं कि आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। वैक्सीन कंपनियों का दावा है कि कोरोना की वैक्सीन प्रभावकारी है, लेकिन इस वैक्सीन के साथ सावधानियां बरतना भी जरूरी है। वैक्सीन कोरोना के प्रभाव को कम कर इसकी मारक क्षमता को खत्म करती है, लेकिन ये कोरोना का इलाज नहीं है। वैक्सीन अपनी जगह है, लेकिन कोरोना किस पर किस कदर बेकाबू हो रहा है कि तमाम सरकारें उसी रास्ते पर बढ़ रही हैं जिससे बचना चाह रही थी, यानी लॉकडाउन। आप इसे इस बात से समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 19 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है। उससे पहले छत्तीसगढ़ में दुर्ग में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा चुका है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी कल से 7 दिन के लिए पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। शाजापुर में भी 2 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में कल से नाइट कर्फ्यू भी रहने वाला है। वैसे एबीपी न्यूज लगातार ही आगाह करता रहा है कि कोरोना गया नहीं है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। हमने भी #MaskUpIndia मुहिम की शुरुआत की है। आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप मास्क जरूर पहने रखिएगा। आप देखिएगा, ये #है हमारा #MaskUpIndia, और इसके तहत आपकी तमाम तस्वीरें जो आप सेल्फी लेकर हम तक भेज रहे हैं, एबीपी न्यूज़ के हैंडल पर भेज रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम यहाँ सैल्यूट करना चाहते हैं। आप जैसे कोरोना योद्धाओं की इस देश को ज़रूरत है, जो इस बात को माने, जिस बात को समझें कि मास्क लगा के रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस कोरोना की नई और ताज़ी वेव को, लहर को मात दे सकते हैं। बहुत सी सेल्फी लगातार मुझे मेरे हैंडल पर, एबीपी न्यूज़ को उनके हैंडल पर मिल रही हैं। बहुत सी तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इन असली हीरोज़ को पहचानिए, क्योंकि यही वो हीरोज़ हैं जिनके ज़रिए देश बच सकता है, समाज बच सकता है और मानवता बच सकती है। इतना ही नहीं, आप दूसरों को भी बिना मास्क देखे तो उनको भी मास्क पहनने की सलाह जरूर दें। हमारे साथी पत्रकारों ने भी आज दिन में ऐसा ही किया और लोगों को तस्वीरें ही नहीं खींची बल्कि उन्हें मास्क भी पहनाए। देश के अलग अलग शहरों में हमारे साथी पत्रकार फील्ड में पहुंचे और मास्क ना पहनने वालों को टोका, उन्हें मास्क की जरूरत याद दिलाई और उन्हें अपने सामने मास्क पहनाया। इस कड़ी में कुछ लोगों ने हमसे बुरा भी माना, कुछ ने बहाने बनाए, लेकिन हम अड़े रहे क्योंकि हम आपकी सुरक्षा का के बारे में जानते हैं। हमें इसका एहसास है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपके जरिए ये बीमारी और लोगों में फैल सकती है। दवाई अगर कड़वी भी हो तो भी पीनी ही पड़ती है। मास्क पहनना मुश्किल है, लेकिन कोरोना से बचने का यही उपाय है। इसीलिए आप भी मास्क पहनिए और साथियों को भी पहनाइए। मास्क क्यों नहीं लगा रखा? हम वैक्सीनेटेड हैं। क्या हो गया? तो मास्क लगाइए। आपने मास्क नहीं लगाया? लगाइए। लगा लिया, ठीक है। नहीं नहीं, मास्क क्यों नहीं है आपके पास? मास्क घर भूल गया। ये लीजिए, लगाइए। अच्छा, अब ये बताइए आगे से मास्क लगाएंगे कि नहीं? बिल्कुल लगा। मास्क कहाँ है? मास्क सर अभी तो, अभी इसको रोक लो, ये लगा लो। अब ये बताओ, मास्क लगाओगे? बिल्कुल सर, धोकर सुखा दिया है। तो अभी घूम रहे हो आप तो बाजार में? नहीं नहीं, गया था दूध के। चलो ये मास्क लगाओ, आप लगाओ। अब ये बोलो कि मास्क लगाए बगैर तो नहीं घूमोगे? जी सर। क्या
मास्क लगाए बगैर नहीं गाऊंगा। वो अभी घर से निकला यू ना, अब ये बता दीजिए मास्क लगाना फायदे का काम है कि नहीं? फायदे का ही है, अपनी सेफ, अपनी सेफ। आइंदा लगा के आएंगे, घर से लगा के निकलेंगे। अब वक्त है वो शब्द आपको बताने का जो मैंने आज सुबह ट्विटर पर पोस्ट किया, और आज का शब्द था दास्तान। अब आपको बताते हैं कि कौन से वो संदेश है जिन्हें हमने आज चुना है। पहला संदेश है अभय सिंह सिसोदिया का। उन्होंने लिखा है, लोग परेशान हैं, सबकी एक ही दास्तान है, जीवन घर है बचाना तो मास्क ही है एक रास्ता। अगला संदेश हमें भेजा है घनश्याम राजौरा ने, और वो लिखते हैं, जिंदगी नादान है इसीलिए चुप हूँ, दर्द ही दर्द है सुबह शाम इसीलिए चुप हूँ, कह दूँ जमाने से दास्तान अपनी, उसमें आएगा तेरा नाम इसीलिए चुप हूँ। हर जिंदगी एक दास्तान ही तो है, कुछ सुर्ख स्याही से पन्नों में लिखी जाती है तो कुछ यूं ही गुम हो जाती है। इसी बात पर फिल्म शरारत के गाने की दो लाइन मुझे याद आ रही हैं। अजब है दास्तान तेरी ये जिंदगी, कभी हंसा दिया कभी रुला दिया, खुशी और गम के ऐसे ही सिलसिलों से बनी है हमारी आपकी जिंदगी की दास्तान, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म, ये समझ लिया तो समझिए जिंदगी का मर्म समझ लिया। ABP News, आपको रखे आगे।